हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर का टाइम है, आज बच्चों की छुट्टी है तो मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल सा। छोले भटूरे बनाऊँगी और आपके साथ ही अपना पूरा लंच रेसिपी शेयर करूँगी। और साहब 2 दिनों बाद लौट के आए हैं तो उनके लिए एक सरप्राइज़ भी है। और सरप्राइज़ ये क्या है, मैंने सुबह ही जो छोले होते हैं वो मैंने भिगो दिए थे और मैं थोड़ी देर के लिए भी मार्केट भी गई थी तो मैं कुछ शॉपिंग भी करके आई हूँ, तो मैं वो भी आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं बनाऊँगी छोले भटूरे लंच के लिए। तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो बस अब मैं किचन में ही खड़ी हूँ और मैं आपको कुछ जो है दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और ये देखिए, नैना लेके आई है 2 पॉपकॉर्न। मुझे पीछे से बोल रही है, क्या नैना क्या बोलना, बोलो। मैं बोल रही हूँ मम्मी, इस पॉपकॉर्न लाए हैं खाने के लिए। ओके ओके, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो नैना को पॉपकॉर्न खाना है, अभी मैं पॉपकॉर्न बनाऊंगी और इनको भी भूख लग गई। हम लोग मार्केट होके आए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप ग्रॉसरी शॉपिंग की है और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना लंच। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस सबसे पहले जो मैं छोले मैंने भिगोए थे उसको मैं रख देती हूँ बॉयल होने के लिए और फिर आपको जल्दी से शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो बस इसको मैंने अच्छे से धुल गया है और मैंने जो है 2 कटोरी छोलों में 3 कटोरी लगभग पानी डाल के नमक और हींग डाल के इसको चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। और ये देखिए, ये है शॉपिंग। तो ये तो दूध वूध है और ये बच्चों के लिए पीडियाश्योर लिया है मैंने। और ये मुझे थाली बहुत अच्छी लग रही थी, मिरर फिनिश की थी। तो जैसे कोई स्पेशल थाली अगर आपको बनानी हो तो उसके लिए मैंने ये थाली ली है। और ये जो बहुत अच्छे से हैं बोल लग रहे थे मुझे, कॉपर के नीचे इसमें कॉपर दिया हुआ और इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्यूट से थे। और वैसे भी जितनी भी औरतें होती हैं उनको बर्तनों का बहुत शौक होता है। मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, फिर भी अगर कुछ अलग सा दिखता है तो मैं ले लेती हूँ। इस टाइप का मेरे पास पहले भी था बट बस अच्छा लगा तो ले लिया मैंने। थोड़ी इनकी साइज़ छोटी है तो मुझे छोटा देख के बहुत अच्छा लगा, क्यूट लग रहे थे, इसलिए मैंने इस बार इस तरीके का लिया है। तो और ये बस जनरल छोटी मोटी ग्रॉसरी शॉपिंग जिसको बोल सकते हैं आप, वो है दूध दही और जो काम की चीज़ें थी वही ली हैं। और मेन तो मैं गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, बस कुछ चीज़ें मुझे जो दिख गई बर्तन वर्तन की वो मैंने ले ली, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब्ज़ी लेके आई हूँ और ये बोल मुझे बहुत अच्छा लगा, वाइट कलर का एक ये विवास है। एंड ये मेरा कंडीशनर इसका बड़ा नहीं था इसलिए छोटा ही लेना पड़ा। जनरली डव का बड़ा कंडीशनर नहीं मिलता है, जो ये वाला होता है यहाँ पे नहीं मिलता। और ये देखिए, मैंने अरोमा लिया है ओशियन ब्लू करके इसका नाम है। तो आप ऑयल डिफ्यूज़र में लगाएंगे तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैलती है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसको यूज़ करके। एक बोल है, एक वाइट कलर की प्लेट है और इसका जो है मटेरियल बहुत अच्छा है। और ये मैंने अपने बेकिंग के लिए लिया है केक। और साथ में मैंने ये वाली एक, मैंने ये सारे एक एक पीस ली हैं क्योंकि बस ये मैंने एक आप यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह के जो प्लेट होते हैं इसमें खाना खाना अच्छा नहीं होता है, स्टील का बर्तन ही बेस्ट होता है। तो जैसे कभी होता है कि आपको कोई रेसिपी सूट करनी है और आपको दिखाना है तो वाइट कलर के जो बर्तन होते हैं उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें दिखती हैं, इसलिए मैंने इन बर्तनों को लिया है। इसलिए ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है, स्टील के बर्तन ही बेस्ट हैं डेली यूज़ के लिए, या तो फिर आप बोन चाइना वगैरह के ले लीजिए, बट फाइबर प्लास्टिक ये इन बर्तनों से दूर रहना ही बेहतर है। और इस तरीके से मैंने कटोरियाँ ली हैं और ये स्टील की कटोरी ली है, बट वाइट अगर बर्तन है तो आपका खाना बहुत अच्छे से दिखता है। और आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी तो ये मुझे जो है मॉल में ये भटूरा मिक्स दिख गया तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं और थोड़ी मेहनत भी बच जाएगी मेरी। तो ये भटूरा मिक्स है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो देखते हैं कैसा बनता है। और इसमें एक छोले का जो मसाला है उसके साथ ही लगा हुआ था, ये GM ब्रांड का छोले भटूरे मिक्स है और काफ़ी अच्छा जो है छोला बन के रेडी हुआ था और भटूरा भी। तो अगर आप भटूरा बनाने में एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप इस तरीके से भी ख़रीद के बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से भटूरे अच्छे बनते हैं। तो एक बार वो रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी जिसमें आप मैदा ले लीजिए, थोड़ी सूजी ले लीजिए, इंस्टेंट भटूरे की रेसिपी अलग से भी मैं शेयर कर दूँगी जिसमें चीनी नमक मैदा गूंद के दही के साथ रख दीजिए तो काफ़ी अच्छे से भटूरे आपके बन के रेडी होते हैं। बस इस पैक में लिखा हुआ था कि सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं तो बस जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है उस तरीके से मैं इसमें चीज़ें डाल के और इसको गूंद के रख दूँगी और फिर इसके हम लोग बनाएंगे भटूरे। और इधर जो हमारा छोला है वो भी सीटी दे रहा और इसके अंदर ये एक पैकेट मिली है
और इसको दही से गूंथना है। सारी चीज़ें पीछे लिखी हुई हैं। तो ये जीएम का है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको बहुत जल्दी भटूरे बनाने हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको फर्मेंट होने के लिए रख दें, तो आप इसको लेके बनाइए। बहुत अच्छे भटूरे बनके मेरे तो तैयार हुए थे। बस जो हमारा आटा है उसको हम लोगों ने दही से लगा लिया है और बहुत कम पानी डलेगा इसमें, और दही से ही लगाना था और बाकी सारी चीज़ें इस आटे में है। तो बस मैंने दही से इसको लगा के रख दिया है और जब तक आटा हमारा सेट हो रहा तब तक मैं यहाँ बूंदी का रायता बना रही हूँ। सो बस सिंपली मैंने बूंदी ली है और दही में बूंदी को मिक्स करके और जो भी सारे मसाले होते हैं आप उसमें नमक, धनिया पाउडर, फिलहाल तो मैं अभी इसको दही को थोड़ा पतला कर रही हूँ क्योंकि जब बूंदी फूलेगी तो दही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें और गाढ़ा हो जाएगा रायता। और यहाँ पे जो कैच का आता है दही मसाला वो मैंने लिया है, तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दही मसाला कैच का। और जो भी आपको पसंद है मसाले रायते में वो आप सब डाल सकते हैं। आप पुदीने की, मिंट की, ड्राई लीव्स डाल सकते हैं, धनिया पत्ता डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दही मसाला डाला है और ये ब्लैक सॉल्ट है कैच का, मैंने वो डाला है। और आप चाहे तो इसमें तड़का भी दे सकते हैं बट मैं तड़का नहीं देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ऑयल अवॉइड किया जाए। तो बिना तड़के के भी मुझे रायता बहुत पसंद आता है तो मैं तड़का नहीं देती हूँ अक्सर अपने रायतों में। और आप चाहें तो इसमें जीरे का और राई का तड़का दे सकते हैं मिर्च के साथ, तो वो आप के ऊपर है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं। और यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का जो पाउडर होता है ब्लैक पेपर वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है रायते में। और जो ये है हल्का सा चाट मसाला है, ये चाट मसाला मैंने इसमें हल्का सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। तो बस जो हमारा रायता है इसको अच्छे से मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए खाने के टाइम तक। और इस तरीके से भी रायता बनाइए, बिना तड़के के भी ये रायता बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब मैं रबड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये इंस्टेंट रबड़ी बन के तैयार होती है। और ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है, इसको मैं दूध में अच्छे से घोल लूँगी ताकि कोई लम्ब्स ना बने उसमें। और साथ ही साथ मैंने कढ़ाई में दूध चढ़ाया है और दूध को जब तक मैं दूध हमारा जब तक खौल गया अब इसमें हम डालेंगे जो हमारे मिल्क पाउडर था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा बहुत अगर लम्स भी है तो भी वो अच्छा लगता है, तो उसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से अब हम दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। और मिल्क पाउडर अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो बहुत जल्दी दूध गाढ़ा हो जाएगा और अगर आप कम डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप मिल्क पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बस यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ, ये पम्पकिन सीड है। अगर आपके पास पम्पकिन सीड नहीं है तो आप पिस्ता डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो आप उसी का इस्तेमाल करिए रबड़ी में। और ये मेरे पास बादाम थे, मैंने बादाम भी ले लिया है। और इसको सारों को मैं बारीक काट के रबड़ी जब तक यहाँ पे हमारी बन रही है तब तक मिल्क पाउडर डालने के बाद बीच बीच में एक बार ज़रूर चला लें। मैंने अभी इसको घुमा दिया है तो आप भी अपना देख लें, क्योंकि नीचे बहुत जल्दी मिल्क पाउडर जैसे ही आप डालोगे वो बहुत जल्दी घुलने मतलब लगने लगता है नीचे, क्योंकि वो गाढ़ी होने लगती है रबड़ी। तो यहाँ पे इसको चलाते रहें, ध्यान दें। और साथ ही साथ इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मैंने जो काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको आप जितना भी आप गाढ़ा करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको रिड्यूस कर दें। और अगर आपको जल्दी बनाना है तो मिल्क पाउडर की जो क्वांटिटी है आप बढ़ा के ले सकते हैं, मिल्क पाउडर या ड्राई मिल्क बोल सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड के आते हैं। और यहाँ पे आप चीनी डाल दें अपने हिसाब से जैसा भी आपको खाना है। और अगर मिल्क पाउडर में भी चीनी होती है तो इस बात का ध्यान रखें कि चीनी की जो क्वांटिटी है उसी के हिसाब से डाल लें, क्योंकि हल्की सी मिठास आपको मिल्क पाउडर की भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैंने डाला है यहाँ पर इलायची का पाउडर। और ये देखिए मेरा हेल्पिंग हैंड भी किचन में आ चुका है, तो
जो है आनंद जी भी आ गए हैं और मुझे देख रहे थे, बहुत सारा खाना बना रही थी आज मैं, तो मुझे बोले कि मैं क्या हेल्प करूँ, तो मैंने कहा प्याज ही कट कर दीजिए क्योंकि छोले में बहुत सारा प्याज जाएगा, तो यहाँ पे प्याज छील के ये सारी चीज़ें मुझे बोले मैं आप छील के दूंगा काट के धुल के, तो मैंने कहा चलो यही से जब तक यहाँ पे ये यहाँ पे आनंद जी जो है अनियंस कट कर रहे हैं। और अगर किचन में अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल जाए तो बहुत ज़्यादा लगता है, और हस्बैंड के साथ अगर काम करिए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, बातें होते होते काम कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इनका ये मुझे अच्छा लगता है कि अगर कभी मुझे कोई चीज़ ज़्यादा बनानी होती है तो ये मुझे हमेशा हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और कुछ चीज़ें तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स भी देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ये भी बनाते रहते हैं। और ये देखिए सारी प्याज़ इन्होंने छीली है, टोमेटो छीला है, धुला है, बाकी चीज़ें मुझे दी हैं, कह रहा है अब इसको तुम बारीक बारीक काट लो, अभी तो चले गए फिलहाल। और यहाँ पे जो मैं प्याज है बाकी की जो सब्ज़ियाँ हैं उनको मैंने सब इजी हो गया, बस कट करके मुझे इसको तड़का देना है। तो यहाँ पे अनियंस है इनको मैं मोटा मोटा काट लूँगी, पीसूँगी, इसके छोले के लिए मैं यहाँ पे जो अनियंस है इसको मोटा मोटा काट रही हूँ। और छोले के लिए मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर आप लोहे की कढ़ाई में छोले बनाएंगे तो छोला बहुत टेस्टी बनता है और कलर उसका बहुत अच्छा आता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा लोहे की कढ़ाई में छोला बना के देखिएगा, पंजाबी छोलों वाला कलर आता है असली वाला। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने दो जो है लाल मिर्च डाली है और साथ में मैंने जीरा डाला है, और हींग अगर आपने छोले में नहीं डाला है तो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं, मैं ना मैं जो है छोला बॉयल करते टाइम ही मैंने उसमें हींग डाल दी थी तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और जो भी आपके पास साबुत गरम मसाले, खड़े गरम मसाले जिसको बोलते हैं, छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, ये सारा कुछ आप इसमें तेल में ही थोड़ा थोड़ा डाल दें, और ये जो भी साबुत मसाले हैं वो मैं यहाँ पर तेल में ऐड कर रही हूँ तेल गरम होने के बाद। और जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी, और ये जो है तीन जो है मीडियम साइज़ की अनियंस है उसका पेस्ट है छोले के लिए, ये मैं यहाँ पे ऐड करके इसको अच्छे से भूनूंगी प्याज के पेस्ट के साथ। और आप चाहे तो प्याज को छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं, दोनों का ही टेस्ट अलग अलग आता है, दोनों ही तरीके से अच्छा बनता है, तो जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से बनाइए। ये वाला जो अगर आप प्याज को पेस्ट पीस के डालेंगे तो थोड़ा सा छोला गाढ़ा बनेगा, और अगर कट करते हैं तो टोमेटोज अगर आप ग्राइंड करके डालेंगे तो भी गाढ़ा बनता है, तो अपने हिसाब से जो टेस्ट आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप बनाइए। और यहाँ पे मैंने टमाटर थे तीन बड़े साइज़ के, वो भी मैंने पीस के इसमें ऐड कर दिया है प्याज के बाद, और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। थोड़ी देर प्याज पकाने के बाद टमाटो प्यूरी मैंने डाली है, तो इस तरीके से डालें, थोड़ा सा प्याज पकने के बाद ही आप इसमें टमाटर ऐड करें, और इसको अच्छे से हम एक दो मिनट, जब तक कि हमारा तेल अच्छे से प्याज और टमाटर अच्छे से भुन ना जाए, वो समझ में आ जाता है तेल चारों तरफ आ जाता है बाहर किनारों पे, तब तक इसको हम भुनेंगे। और साथ ही साथ ये रबड़ी मैं अभी चला रही हूँ आराम से, तो ये जो रबड़ी है इस तरह देखिए गाढ़ी होने लगी है, तो अभी मुझे इसको और थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो इसको मैंने अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और अगर आपको जल्दी है तो तेज़ आंच पे आप जल्दी जल्दी धीमा कर दीजिए, तेज़ कर दीजिए, तो आपकी रबड़ी जो है जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। इसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडी रबड़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये देखिए ये जो जीएम के साथ मुझे छोले मसाले मिले हैं उसमें सारी चीज़ें हैं, अनारदाना वगैरह सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो मैं वही वाला छोले मसाला आज यूज़ करूँगी, तो मैंने वो पूरा पैकेट एक कटोरी में निकाल लिया है। और यहाँ पे जो हमारे प्याज टमाटर भी भून के तैयार हो गया है, और ये देखिए इसमें मैं पानी मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं पानी से। तो ड्राई मसालों को अगर आप पानी मिला के थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो मसाले हैं मैं उनको अच्छे से मिक्स करके पानी में इसको छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और बाकी का जो प्रिपरेशन है वो मेरा ऑलरेडी हो गया है, और यहाँ पे प्याज टमाटर अच्छे से भून रहे हैं। तो ये इसमें मैं और भी जो मसाले यूज़ करते हैं, एक तो मैंने जीएम का छोला मसाले मैंने लिए हैं, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने अमचूर लिया है। आप चाहें तो अमचूर ना भी डालें क्योंकि टमाटर डाल के भी खट्टा है, और इस मसाले में अनारदाना भी डला हुआ है, बट मैंने थोड़ा सा अमचूर डाला है क्योंकि थोड़ा मुझे खट्टा छोला पसंद आता है, तो वो मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है हमारे मसाले का, और मैं जो पोटैटो मैसर होता है उससे जो मैं छोले हैं उनको थोड़ा दबा लूँगी। और कई बार अगर आप छोले बना रहे हो तो छोलों को, जो बॉयल्ड छोले होते हैं चने, उसको आप अगर मिक्सी में पीस के भी डालते हैं तो भी बहुत अच्छा छोला बनता है, तो यहाँ पे मैं आज ऐसा नहीं कर रही हूँ।
और अलग तरीके का बना रही हूँ। बहुत तरीके से छोले बनते हैं और अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं जो है अलग अलग बार बनाऊँगी तो मैं आपको सारी रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज ये वाली रेसिपी देख लीजिए छोले बनाने की। कई बार तो आप डायरेक्ट कुकर में भी बना सकते हैं बिना बॉयल किए, बहुत तरीके से छोले बन जाते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुछ जो है छोले काबुली चने जो आप ज़रूर मैश करके डालें, तो उससे जो टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। और ये देखिए मसाला अच्छे से मेरा भुन रहा है। और किसी भी सब्ज़ी को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आप मसाला भुनने पर ध्यान लगाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। जब तक आपका मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा, आप कुछ भी डाल दीजिए, सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो मसाला भुनने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें, अच्छे से मसाला भुनें और कोशिश करें कि धीमी आंच पे ही अच्छे से मसाला भुनें। और अगर जल्दी है तो तेज़ पे भी भुनने से काम हो जाएगा, बट हाँ मसाला भुनना चाहिए, तेल अलग होना चाहिए। और जब तक यहाँ मेरा छोले का मसाला भुन रहा है तब तक मैं अपना जो सैलेड है वो मैंने काट के यहाँ पे तैयार कर लिया है और उसमें मैंने प्याज खीरा और नींबू ये सब डाल के मैं रख रही हूँ। और थोड़ी देर पहले अगर आप सलाद काट लेते हैं तो बहुत अच्छे से नींबू और नमक के साथ वो बहुत अच्छा से मैरिनेट हो जाता है और बहुत अच्छा सलाद लगता है खाने में। तो कोशिश करें थोड़ी देर पहले काट लें। और दो फायदे होते हैं, एक तो आपका टाइम बच जाता है, जब तक आपको कुछ बन रहा है तब तक आपके सैलेड भी कट के रेडी हो जाते हैं, और अगर आप बात के लिए छोड़ेंगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस मेरे को भटूरे बनाने हैं और छोला मेरा ऑलरेडी बॉयल है, मसाला मेरा डन है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अगर आपको ज़्यादा देर है खाना बनाने में तो आप सॉल्ट मत ऐड करें, सैलड को काट के ऐसे भी रख दें, फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए मेरा सैलड यहाँ पे हो गया है रेडी। और छोले भटूरे में ये है कि आपको छोला भटूरा गर्म ही अच्छा लगता है, तो आप उसको बना के रखेंगे तो वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने सारी तैयारी कर दी है। और अब मैं भटूरे निकालूंगी और सबको खाने के लिए दूंगी। और ये देखिए मेरे छोलों का जो कलर है वो बहुत ही बेहतरीन आया है, और यही होते हैं पंजाबी छोले का कलर, थोड़ा डार्क होता है, ब्लैकिश होता है, और मुझे वो ये कलर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हमेशा अपने छोले लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं काबुली चने, ये देखिए। और जिस तरीके से आपको खाना, अगर आपको इसको गाढ़ा खाना है तो आप चाहें तो इसका जो पानी हटा सकते हैं, अगर आप इसको बिल्कुल पतला खाना चाहते हैं तो पतला, मतलब वो सब आपके ऊपर है कि किस तरीके का खाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ड्राई छोले खाते हैं, बट हमारे यहाँ पे इस टाइप का ही छोला खाया जाता है। ये गाढ़ा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, मीडियम है, और ये बहुत अच्छा बना था उस दिन का छोला। और ये देखिए मेरा जो भटूरे का आटा है वो भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है भटूरा बनाने के लिए। इसको फिर एक बार मैं और अच्छे से मैंने मार लिया है, और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो जो भी ऑयल आपको पसंद है डाल दें, बट कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल ना डालें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में एक महक आती है तो उससे आपके भटूरे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो तेल आप ले सकते हैं। तो ये देखिए बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, और मेरी जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक मैं बाकी की जो प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ। और जो भटूरा होता है वो उसका आटा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, कोशिश करें सॉफ्ट, क्योंकि जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं भटूरा बनाने वाले वो तो भटूरे को बेलते नहीं हैं, वो लोग तो हाथ से ही बनाते हैं, बट अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं बेल के ही इसको बनाऊँगी। बट हाँ बहुत अच्छे बनते हैं भटूरे। और भटूरे में कायदे से लोग बोलते हैं कि आपको आटा नहीं लगाना चाहिए, जिसको हम लोग परथन बोलते हैं, बट बिना परथन लगाए मैं तो नहीं बना सकती हूँ वो, क्योंकि वो फटेगा, फैलेगा नहीं। सो कभी ट्राई भी नहीं किया मैंने, और इस तरीके से ही बनाती हूँ तो अच्छा बनता है। लेकिन जो एक्सपर्ट भटूरे वाले होते हैं, मैंने उनको बनाते हुए देखा, वो लोग ऑयल लगा के हाथों से भटूरे को फैलाते हैं, और लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत एक बार ही बस मैं ड्राई फ्लावर यूज़ करती हूँ और मेरा भटूरा अच्छे से हो जाता है। और ये देखिए कितना, अब मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, अगर आपको और बड़े साइज़ का बनाना है तो थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले लीजिए। और भटूरे बड़े साइज़ के ही बनते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं वो बड़े साइज़ के ही होते हैं। और बस ऑयल को मैं यहाँ चेक कर लूँगी कि गर्म हुआ है कि नहीं, तो एक छोटा सा मैंने जो भटूरे का आटा है वो मैंने डाल दिया है तेल में, और अभी थोड़ा सा तेल मेरा अच्छे से गर्म नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा देर और गर्म होने देंगे। और भटूरे का जो ऑयल होता है ना, बहुत ज़्यादा खौला के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मैदा होता है और जैसे ही आप डालेंगे ना बिल्कुल रेड हो जाता है और आपका भटूरा देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही आप भटूरे को बनाएं। और जब डालें तो एक बार हाई फ्लेम कर दें, थोड़ा सा जैसे फूल जाए तुरंत उसको मीडियम फ्लेम पे कर दें, तो बहुत ज़्यादा आपको तेल को नहीं गर्म करना है। एक बार गर्म करने के बाद आप अच्छे से उसको टेम्परेचर मेंटेन करके ही भटूरा बनाएं, तो बहुत अच्छा भटूरा बनके तैयार होगा आपका।
और अब जा कर के मुझे लग रहा है कि मेरा तेल एकदम गर्म हो गया है, और अब मैंने जो भटूरा बनाया है उसको मैं डालूंगी कढ़ाई के अंदर। और मैं ये वाली कढ़ाई यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें ऑयल कम वेस्ट होता है और आपको पूरी कढ़ाई ऊपर तक भर जाती है आपकी। और इस तरीके से धीरे से मैंने देखिए डाला है भटूरे को, और ये देखिए मेरा भटूरा कितना ज़बरदस्त फूल के तैयार हो गया, ऑसम। ये देखिए, तो इस तरीके से आप बहुत इजीली, और टेस्ट में इसकी कोई कमी नहीं होती है, छोलों के टेस्ट में, भटूरे के टेस्ट में, इवन दैट अगर बाज़ार का देखा जाए तो बाज़ार से भी अच्छे ये छोले भटूरे घर पे बन के तैयार होते हैं, और बिल्कुल कम मेहनत में बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी छोले भटूरे आप बना सकते हैं घर पर। तो ट्राई करिएगा ज़रूर, और अगर पसंद आएगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट टाइप, दूसरा एक और भटूरे की रेसिपी है वो भी मैं आपको दूं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वो इंस्टेंट भटूरे की रेसिपी है, वो थोड़ा अलग तरीके से बनती है, दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ छोटे भटूरे भी मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इतना बड़ा भटूरा नहीं खा पाएंगे, तो ये बच्चों के लिए मैंने छोटा भटूरा बनाया है पूरी की तरीके से। तो जैसा चाहे आप बना सकते हैं, अगर आप बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ी कढ़ाई लेके इसमें बड़ा ऊपर तक ऑयल फिल कर दीजिए, और आपका बस वही है कि बार बार तेल जला हुआ नहीं खाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम तेल जो है वेस्ट हो। और इस तरीके से मैं अपने जो सारे भटूरे बनाऊँगी, और सबको बहुत पसंद आया था, और छोला भटूरा वास्तव में उस दिन बहुत अच्छा बना था। और ये जीएम का मसाला ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके कई सारे आते हैं, जीएम का कचौड़ी मसाला बहुत सारा आता है, सो मुझे दिख गया तो मैंने ट्राई किया और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसके रिजल्ट से। तो मस्ट ट्राई है, कर लीजिएगा। जीएम मसाले का नाम है, जीएम ब्रांड का है ये मसाला सारा, भटूरे का भी एंड छोले का भी। मैंने सबको थाली लगा के दे दी है, और इनके एक फ्रेंड भी हैं, वो भी हमारे साथ आज डिनर पे हैं। सो बस मैं अब बाकी के भटूरे बना के सबको गरम गरम सर्व करूँगी। तो ये है मेरी आज की, जो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों के लिए। आई होप यू लाइक इट। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो से रिगार्डिंग अगर कोई भी कॉमेंट है तो उसको ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये देखिए कितने बढ़िया भटूरे बनके तैयार हुए हैं, और मैंने तोड़ के भी दिखाया है, काफ़ी सॉफ्ट बने हैं भटूरे, और वो मैदे की तरह बिल्कुल नहीं है। तो ये है मेरी आज की थाली, रबड़ी, साथ में मैंने सैलेड रख दिया है, और ये है छोले, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, साथ ही साथ बूंदी का रायता और भटूरा। तो ये है मेरा ब्लॉग आज का आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।